शिक्षा भैया घर में बैठ के बढ़िया चाय पी रहे थे, देखा कि दादाजी बड़े परेशान होके वापस आए हैं। दादाजी, मैं तो आपको अस्पताल छोड़कर आया था, आज आपका ऑपरेशन होने वाला था, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अस्पताल से भागकर क्यों आ गए हैं आप? और इतने चिंताजनक क्यों लग रहे हैं? आप तो कहते रहते हो काहे चिंता करते हो, काहे चिंता करते हो। अरे शिक्षा भैया, आज तो बात चिंता की ही है। हमारा ऑपरेशन जहाँ हो रहा था, हम बेड पे लेटे हुए थे, सारे डॉक्टर और नर्स आई और इतने में नर्स बोली, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो दादाजी, क्या गलत बोली वो? हर नर्स यही बोलती है, घबरा रहे होंगे आप। वैसे भी डॉक्टर को देख के आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, आपको लगता है हर डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देगा। अरे शिक्षा भैया, हम भी समझते हैं कि नर्स लोग पेशेंट को दिलासा देती हैं कि कुछ नहीं होगा, पर शिक्षा भैया यहाँ मामला कुछ और ही था। वो जो नर्स थी वो डॉक्टर धनिया को दिलासा दे रही थी कि कर दो ऑपरेशन, सब ठीक हो जाएगा।